वैराग्य का भी सम्मिश्रण है। क्यों भाई? जब आपने मुझे देखा होगा तो कहीं ना कहीं वैराग्य का स्वरूप मुझ में दिखाई दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया है कि नहीं? तो वैराग्य का प्रवेश हो गया। ज्ञान की धारा अभी विद्वानों के द्वारा प्रवाहित हो रही थी, इसी ज्ञान में भक्ति का भी समावेश था, वैराग्य का भी समावेश हो गया। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से संयुक्त स्वरूप यहां प्रकट हो गया है। ये जीवन का स्वर्णिम अवसर है, इसे व्यर्थ में नहीं गमाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि हम कथा सुनने के लिए समय निकाल ही लें। बात यह है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना महामारी, COVID-19 के कारण कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है, तो भगवान की कृपा से क्षेत्र पर्याप्त। इस बार तो और चौड़ीकरण हो गया ना रेलवे स्टेशन पर, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड में भी व्यवस्था कर दी जाएगी, बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है। और इस समय रेलवे के द्वारा ज्यादा रेल गाड़ियां कहाँ चल रही हैं, स्टेशन पर भी भीड़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समय निकाला जाए, क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर है। ऐसा समय, इसी की तलाश भगवान शंकर भी करते कि ये दिन कब आवे कि हम कथा सुनने के लिए जाएं। क्यों भाई? शंकर जी भी इस दिन की तलाश करते हैं, और जब ये उनके कान में ये आवाज पहुंचती है कि कथा हो रही है, तो वो चल देते हैं। और आप सुनते ही हैं कि कुंभज ऋषि के यहां गए, कथा सुनी, कथा सुन के वापस आए। ये तलाश स्वयं कर रहे हैं कौन? भगवान शंकर। और एक बात आपको बताएं, भगवान शिव ही 11वें रुद्र में हनुमान के रूप में अवतरित हुए, तो हनुमान जी तो नित्य प्रतीक्षारत रहते हैं कि कथा कहां हो, कथा किस मोहल्ले में हो रही है, कथा किस घर में हो रही है। मोहल्ले की बात छोड़िए भाई, किस घर में कथा हो रही है, उसी घर में प्रवेश कर जाते हैं हनुमान जी, उसी घर की तलाश करते हैं। बोलो, करते हैं, जिस घर में कथा हो रही हो और भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन हो रहा हो, उस घर की तलाश करते हैं। कौन? हनुमान जी। पूरी लंका में किसके घर के पास पहुंचे, ठहरे, रुके? विभीषण जी के घर के पास। क्यों? वहां राम नाम की ध्वनि उच्चरित हो रही थी। राम नाम, ऐसा दिव्य प्रभाव राम नाम का दिखाई दिया हनुमान जी को कि हनुमान जी का मन आकर्षित हो गया, और उसी भवन को उन्होंने चुन लिया कि यही सन हट करी हो पहचानी, और साधु ते होए न कारज हानि। इसका मतलब है कि कथा और राम का नाम जहां होता है, हनुमान जी खोज खोज के पता लगाते रहते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पर वार्ता प्रारंभ कर देते हैं। ये लंका कांड और लंका की कथा और सुंदर कांड की कथा, ये ठीक है, हम लोग अपनी अपनी विधा से कहते हैं, इतने विद्वान बैठे हैं, सब अपने अपने तरीकों से प्रस्तुति देंगे, लेकिन सत्य तो यही है कि वो तलाश किसकी कर रहे हैं? जहां पर राम का नाम लिया जाता हो, जहां राम की कथा सुनाई देती हो, उस घर की तलाश कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जहां कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज जरूर श्रोता के रूप में पहुंचते हैं। यहां तो प्रत्यक्ष विराजित हैं हनुमान जी और सामने बिल्कुल बैठ के कथा सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग आगे बैठे हैं, वो सबसे पीछे बैठ के कथा सुनते हैं। देखो, वो बैठे हुए हैं पीछे, हैं, वो कथा सुन रहे हैं। इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संग के प्रति रुचि रखो, सत्संग से और प्रेमियों को भी जोड़ो, जो आपसे संबंधित हो उनको भी सत्संग से जोड़िए। आप सत्संगत ये आवश्यक है। क्यों भैया? सत्संग आवश्यक क्यों है? कारण क्या है? कारण यह है
कि बिना सत्संग के हमें कोई भक्ति मिल ही नहीं सकती। और सत्संग जहां होगा वहां संत जरूर होंगे, और संत जहां होंगे वहां सत्संग होगा। अच्छा, जहां संत होगा वहां सत्संग होगा, और जहां पर संत और सत्संग दोनों मिल जाएं वहीं पर पहली भक्ति का अभ्युदय हो जाएगा। क्यों भैया? हो जाएगा ना पहली भक्ति का। भगवान श्री राम के कथनानुसार पहली भक्ति वहीं मिल जाएगी। प्रथम भगत प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, साधु संतों का संग। आजकल क्या बतावें आपको कि लोगों की कुछ ऐसी भावना हो गई है, जैसे कहीं मंदिर बन रहा हो, हाँ ये सब बनते ही रहते हैं, ये तो सब होता ही रहता है, ये जरूर कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग, और कुछ क्या 70% तो है ही हैं ऐसे लोग। अच्छा एक बात आपको बताएं, यज्ञ हो रहा हो, हाँ ये तो धंधा है साधु महात्माओं का, चल रहा है, चलने दो। अच्छा प्रवचन हो रहे, हाँ वो सब पहले से ही चला आ रहा है, और अब तो बाजार के लोगों से पूछो कि क्या कह रहे हैं, कितनी परेशानी है उनको। अरे भैया क्या परेशानी है? बोले पहले तो ध्वनि प्रदूषण की परेशानी है कि आवाज आ रही है, व्यापार में व्यवधान है। दूसरी बात है कि ये लोग फिर अब शाम को निकलेंगे या सुबह निकलेंगे, कहेंगे सहयोग दो। देने वालों को परेशानी नहीं है, ना देने वालों को ज्यादा परेशानी है। सुनने वालों को परेशानी नहीं है, वो दुकान पर बैठे बैठे भी सुनना चाहते हैं कि कम से कम हम बैठे हैं, हमारे कान में ये प्रवचन तो सुनाई दे रहा है। लेकिन ना सुनने वालों को ये ज्यादा परेशानी है। सावधान, ये परेशानी पैदा करने के लिए ही वो संसार में आए, उनको भेजा ही गया है, और किसी दूसरे ने नहीं भेजा है, ब्रह्मा जी ने भेजा कि जाओ। भाई भेजने वाले कौन है जल्दी बोलो? ब्रह्मा जी हैं, कौन भेजेगा? और ब्रह्मा जी तो भेजेंगे, ब्रह्मा जी ने ही भेजा है, कह जाओ। क्यों? बोले तुम जैसे लोग जब इस तरह से दुष्प्रचार करोगे तो निश्चित रूप से जिन जो आस्था लेकर के सोए हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आस्था तो है लेकिन सुसुप्ति अवस्था में है। क्यों भाई? है कि नहीं? सुसुप्ति अवस्था में है, आस्था की कमी नहीं है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में है। जब तुम जैसे लोग मोहल्ला मोहल्ला में जाकर के धर्म का दुष्प्रचार करोगे तो जो सुसुप्ति अवस्था में भक्त हैं वो जागृत अवस्था में हो जाएंगे और उनके मन में उत्साह का प्रस्फुरण हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? यही स्थिति है। जैसे हमको नींद आ जाए और कथा का टाइम हो, लेकिन आलस हमको इतना चपेट चुका है, इतना दबा चुका है कि नींद आए, और मच्छर आके थोड़ा सा भुन कर दे, अरे ओहो मंच का समय था, लो हम सो रहे थे, देखो तो मच्छर ने जगा दिया कि नहीं जगा दिया, तो ये सब मच्छर हैं, पिनपिनाते रहते हैं और ये पिनपिनाते रहेंगे। समझ गए हो कि नहीं? इनको पहलवान और बहादुर मत कहना, ये सब क्या है? ये मच्छर हैं जो पिनपिनाते रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली भक्ति क्या है? बोले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरे
सरस्वती मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंग